फिर एक बार साथियों, आज देश के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती है। उनकी जन्मस्थली महू यहां से ज्यादा दूर नहीं है। महू में उनका घर हो या देश विदेश में वे जहां भी रहे, उन स्थानों पर और उन स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का सौभाग्य भाजपा सरकार को मिला है। जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने उनको कभी नहीं दिया, वो सम्मान करने का सौभाग्य हमें मिला है। और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने हमेशा बाबा साहब को अपमानित करने का ही काम किया है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, उसके कारण ही आज गरीब मां का ये बेटा मोदी आपसे तीसरी बार सेवा का आशीर्वाद मांग रहा है। ये बाबा साहब का संविधान है जिसके कारण आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार की बेटी है। जिस समाज को सबसे अंत में पूछा गया, जिसको वंचित रखा गया, उस समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति के रूप में पहली नागरिक है। हमने बाबा साहब को सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आधुनिक भारत में उनके योगदान को नई पहचान दी है। आप मोबाइल फोन से जो डिजिटल पेमेंट करते हैं ना, उस डिजिटल पेमेंट जो योजना है, उसका नाम भीम यूपीआई है। ये भीम यूपीआई बाबा साहब के नाम पर हमने रखा है। भाइयों और बहनों, देश की आजादी में और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समाज का बहुत समृद्ध योगदान रहा है। इस मिट्टी ने तो गौंड वंश के राजा भभूति सिंह के रूप में एक महान स्वतंत्रता सेनानी देश को दिया है। यहां मेरी साथियों से प्रार्थना है कि अब मैदान में जगह नहीं है, कृपा करके आप थोड़ा संयम बरतिए, आप आगे नहीं आ पाएंगे। मुझे क्षमा कीजिए, आप में से बहुत लोग हैं जो मुझे देख नहीं पा रहे हैं, मैं इसके लिए आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, कृपया आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए, जगह नहीं है।